हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडियाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेड जाइंट के यूनिवर्स के बारे में। इसके अंदर 89 जीपीयू एक्सेलरेटेड प्लगइन्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, मोशन ग्राफिक्स के लिए या ट्रांजिशंस के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आपका काम ईजी कर देता है और बहुत ज्यादा फास्ट आपको ये करके काम दे देता है। जैसे कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो यूज होने वाला हो सकता है वो है इसके अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट, जैसे कि ग्लिच इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैमरा शेक हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक स्टिल शॉट लिया है लेकिन उसे आप उसे हैंडहेल्ड शॉट बनाना चाहते हो तो आप लोग कैमरा शेक का यूज़ करते हो। जैसे कि हमारी कई वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा तो ये सारे के सारे हमने कैमरा शेक्स यूज़ किए हैं। दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्लीचेस का हम लोग ट्रांजिशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या तो वीडियो के अंदर चलते चलते कुछ ग्लिच आ जाता है वैसे चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रोमैटिक एब्रेशन, इससे क्या होता है, आप जैसे कि अगर कोई हॉरर शॉट बना रहे हो या कुछ ऐसा शॉट बना रहे हो, ड्रीमी शॉट बना रहे हो, तो उसके अंदर आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। ये आसपास की चीज़ों को थोड़ा ब्लर करके थोड़ा इस तरह से क्रोमैटिक सीन में इसे दिखाता है। तो ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए आप लोग इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा एक टूल है। लेकिन मोशन ग्राफिक्स के लिए इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो कि हम लोग ईजिली अगर बनाना चाहें खुद से तो उसे टाइम लग सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग ये काम करते हो तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा, आप ये चीज़ें ईजिली बना सकते हो। जैसे कि ये एरो आप लोग ईजिली बना सकते हो, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ईजी मिल जाती हैं, हर डिफेक्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को ये इस तरह से कुछ बनाना है, इसके अंदर अगर आपको आयरन मैन हट सूट बनाना है तो उसके अंदर आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। होलोग्राम इफेक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, होलोग्राम के अंदर अगर आपको सीन को दिखाना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। साईफाई मूवीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ग्लोइंग लाइंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइंस अगर आपके सामने हैं तो इसे ग्लो कर सकते हैं, या तो आपके एलिमेंट्स जो हैं उन्हें ग्लो कर सकते हो, उनकी लाइंस को ग्लो कर सकते हो, एज ग्लो डाल सकते हो, या कई टाइप के शिमर इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का ट्रांजिशंस हैं, जैसे कि कैमरा शेक ट्रांजिशंस हो गया, कुछ ग्लिच इफेक्ट्स के ट्रांजिशंस हो गए, या कई सारी चीज़ें इसमें आप लोग देख सकते हो प्रीसेट्स के अंदर। अगर आप लोगों को और जानना है यूनिवर्स के बारे में, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से होती हैं, 89 प्लगइन्स हैं, तो मतलब समझ लो कि 89 प्लगइन्स को कैसे यूज़ करना है। अगर आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्ट है यूनिवर्स के अंदर तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हैकर टेक्स्ट यूज़ हो सकता है, हैकिंग का कोई सीन बना रहे हो आप, कुछ कोडिंग आपको दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके अंदर आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। और तो और मूवी के स्टार्टिंग टाइटल एनिमेशन के अंदर आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, और क्रोमेटिक ऑपरेशन से भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। टाइपोग्राफी आप लोग कर सकते हो इसके अंदर, आप लोग टाइटल्स बना सकते हो, इसमें ऑलरेडी प्री मेड टाइटल्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपना नाम वहाँ पर डाल सकते हो इस तरह से, और या तो अपना कुछ बना के इसके अंदर कुछ ग्लो इफेक्ट डाल के उसे और अच्छा बना सकते हो। फिनिशर यूज़ हो सकता है आपके फुटेज को, आपके DSLR फुटेज को एक फिल्म लुक में दिखाने के लिए, ये फाइनल फिनिशिंग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ शेड्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आपकी फेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ छोटे छोटे एक्ने या कुछ है, तो उसे हटाने के लिए यूज़ हो सकता है। ईजी यूज़ है और आप आराम से अपने सीन को बहुत ही एक अच्छा बना सकते हो। जितना ज़्यादा अगर आपका क्लोजअप है उसे आपको कुछ उसे करेक्ट करना है थोड़ा सा भी, तो आप लोग फिनिशर का यूज़ कर सकते हो। प्रोग्रेसो के अंदर हम लोग एनिमेटेड एक प्रोग्रेस बार बना सकते हैं किसी भी टाइप का, जैसे कि इस तरह से, या सर्कल प्रोग्रेस बार हो गया, या स्पीडोमीटर हो गया, कुछ भी हम लोग इसमें इजीली बना सकते हैं। लोगो मोशन, आपको लोगो एनिमेशन करना है, इजी है, इसके अंदर डायरेक्टली लोगो एनिमेशन के प्रीसेट्स बने होते हैं, आपको जस्ट वहाँ पे लोगो डालना है, आपका काम वहीं पे हो जाएगा। तो काफ़ी सारी अलग अलग से लोगो एनिमेशन आप लोग इसमें इजीली कर सकते हो बिना कोई हार्ड वर्क किए, जस्ट आपको प्रीसेट लगाना है और ये आपका काम कर देगा। लॉन्ग शेडोज, आपको टेक्स्ट के अंदर लॉन्ग शेडोज डालनी है, कई सारी मोशन ग्राफिक वीडियो के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा, आपके सीन के अंदर लॉन्ग शेडोज आ जाती हैं, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर लॉन्ग शेडोज आ जाती हैं, जो कि आपके एक सीन को बहुत ही अच्छा बना देती हैं, मोशन ग्राफिक्स को बहुत ही अच्छा बना देती हैं। नॉन लाइट फैक्ट्री यूज हो सकती है आपके सीन में लाइट्स डालने के लिए, या तो ऑप्टिकल फ्लेयर्स डालने के लिए, जैसे कि वीडियो को पायलट का ऑप्टिकल फ्लेयर्स है, वैसे ही रेड जाइंट का अपना नॉल फैक्ट्री लाइट्स है, जिसके अंदर हम लोग लाइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। इसे हम लोग ट्रांजिशंस भी यूज़ कर सकते हैं, एज नॉल ट्रांजिशंस भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। टाइटल एनिमेशन हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं टाइटल्स के साथ, इसके अंदर हमारे जो टाइटल्स हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिखा सकता हूं मैं अभी स्क्रीन पे कि मेरा टाइटल अभी इस तरह से आ रहा है, लेकिन आप लोग इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो, इसे एनिमेट कर सकते हो, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हीट वेव का यूज़ हो सकता है, हमारे जैसे आग लगी है तो उसके पीछे जो कलर होता है जो ब्लरी हो जाता है कुछ सीन, और वो थोड़ा हिलने लगता है,
जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आग लगा देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो फेस है वो उधर आपको हीट वेव की तरह आपको दिखने लगेगा। तो ये चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। कई सारी म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा और ये अभी तक ट्रेंडिंग के अंदर भी आ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। लेकिन आप लोग इसे इसके अंदर इजीली कर सकते हो, जस्ट आपको ये इफेक्ट लगाना है और आपके सीन को कुछ ये इस तरह से बना देगा। और कई सारी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे कि वाइब ट्रांजिशंस और कई सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। लेकिन एक जो बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट है इसके अंदर, वो है पिक्चर इन पिक्चर। आप अपनी वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो लगाना चाहते हो तो आप लोगों को उसे एनिमेट करना पड़ता है, उसे छोटा करके साइड में लेके जाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग ये इफेक्ट लगाते हो तो ये आपका काम इस तरह से कर देगा। जैसे ये इफेक्ट को मैं अभी यहाँ पे लगाता हूँ इस वीडियो पे, तो मेरा ये वीडियो अलग से चला जाएगा और इसके अंदर काफ़ी सारे प्रीसेट्स बने पड़े हैं, अलग अलग तरीके से मेरा ये वीडियो कहीं पर भी जा सकता है, साइड में इसे लेके जा सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक ईजी है और बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग कुछ ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें करनी है, तो ये बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए। और भी कई सारी चीज़ें आप लोग इसमें कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड के लिए फैक्टर बैकग्राउंड आप लोग यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट सॉफ्ट ग्रेडियंट बैकग्राउंड आप लोग यूज़ कर सकते हो जो कि आपके सीन को कुछ इस तरह से दिखाएगा, आपके टाइटल्स एनिमेशन आप उस पर कर सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा टूल है जो कि बहुत सारी चीज़ें जनरेट करता है, आपका बहुत सारा काम ये इजी कर देता है। रेड जाइंट यूनिवर्स एक बहुत बड़ा एक प्रीसेट बंडल है, इसके अंदर 89 प्लगइन्स ऑलरेडी हैं, तो इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी एक कैटेगरी के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ रेड जाइंट मैजिक ब्लेड सूट और ट्रैप कोड सूट के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो अभी स्क्रीन पर वीडियोज़ आ जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और कमेंट करो कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है, जिसका हम लोग एक ट्यूटोरियल के साथ पूरा वीडियो बनाएंगे और उसे देखेंगे कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं रेड जाइंट के प्लगइन की हेल्प से। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।